मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री सचिन यादव सोमवार को रायसेन जिले की बाड़ी और बरेली के दौरे पर पहुंचे, जहां मंत्री सचिन यादव ने बॉडी में स्थित पोषण आहार संयंत्र का निरीक्षण कर मौजूद अधिकारियों के साथ मीटिंग कर उन्हें दिशा निर्देश दिए। वहीं बरेली कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की सरकार है, जहाँ किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। वहीं सिविल अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री यादव ने बच्चों को दवा पिलाकर दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इसी दौरान मंत्री सचिन यादव ने नर्मदा में हो रहे अवैध उत्खनन पर कहा कि हमारी सरकार लगातार सख्त है, हमने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है, अगर इसके बाद भी कहीं अवैध उत्खनन होता है तो हम कार्यवाही करेंगे। दस्तक अभियान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार हमारे जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए जो है एक अभियान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार शुरू किया गया है, जहाँ पर हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो है घर घर जा करके जो हमारे छोटे बच्चे हैं 5 वर्ष तक के जो आयु के जो बच्चे हैं, बच्चों को जो है दवा पिला करके जो है उनको निरोगी बनाने की दिशा में जो है प्रयास। बाड़ी पोषण आहार का आपने निरीक्षण किया है, क्या कमियां पाई गई है वहाँ पर? काफी सारी कमियां हैं वहाँ पर। अभी हमने वहाँ पर जो है सभी कर्मचारियों के साथ बैठ करके चर्चा करी और उनसे हमने एक पूरी डिटेल रिपोर्ट जो है हमने उनको बना करके देने के लिए भेजा है, और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद जो भी उसमें उचित कार्रवाई करनी होगी करेंगे। नंदा क्षेत्र में इतना अवैध रूप से उत्खनन।